हे हाई चार्टेड होप्स यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं दैट दिस वीडियो इज़ नथिंग टू डू विद योर करिकुलम, विद योर चार्टेड करिकुलम, बट दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ लाइफ, राइट। तो ये आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जिसने स्किप करनी हो अभी, जो नवंबर अटेम्प्ट वाले हैं, प्लीज़ इसको स्किप करें, बट यस सेव करके रखें ताकि फ्यूचर में आप देख सको, है ना। बाकी सारे यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बड़े भाई की बात माननी है, बहुत अच्छी। सो अगर हम बात करें डिविडेंड की, आज क्लास के अंदर एक मैंने बात कही, जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने एक बात कह दी कि डिविडेंड से शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। मैंने क्या कहा? डिविडेंड से शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। सारों के चेहरे बन गए, पता नहीं क्या बोली यार। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ करता हूँ कुछ एक डिस्कशन, बहुत बड़ी है, प्लीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, दिल से सुनेंगे। तो बेसिकली डिविडेंड को लेके होती हैं कुछ डेट्स। फर्स्ट वन इज़ द डिक्लेरेशन डेट, सेकंड डेट इज़ द एक्स डेट, कोई रोएगा नहीं। देन थर्ड वन इज़ द रिकॉर्ड डेट एंड द फोर्थ वन इज़ द डिविडेंड पेमेंट डेट। ये कुछ चार इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू द डिविडेंड। ओके, तो करते हैं बातचीत शुरू। व्हाट इज डिक्लेरेशन डेट? डिक्लेरेशन डेट होती है वो डेट जब कंपनी मार्केट में उतर के हिक ठोक के कहती है कि हाँ भाई हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर, हम एक डिविडेंड डिक्लेयर कर, ठीक है ना। सो द डेट ऑन विच द डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, सो द डेट ऑन विच द डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी, वो डेट जिस दिन कंपनी क्या करती है, अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती है इन द मार्केट, बाजार में उतर के, बहुत बढ़िया। सेकंड बात आती है हमारी रिगार्डिंग द एक्स डेट। एक्स डेट क्या होती है? आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता होगा मेरे हिसाब से कि इंडिया के अंदर चलती है T+2 सेटलमेंट। अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो अलग बात है, बट यस एक बार के लिए अभी समझ के चलो इंडिया में चलती है क्या T+2 सेटलमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय T+2? टी मीनिंग द ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन हम ट्रांजेक्शन में करें एंटर, जिस दिन हम ट्रांजेक्शन में करें एंटर उस डेट को क्या कहते हैं? टी, ठीक है ना, टी ट्रांजेक्शन डेट। प्लस टू मतलब दो दिन एक्स्ट्रा। तो आइए देखते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे आज आपकी डेट है वेडनेसडे, आज क्या है? वेंसडे। आज कौन सा डे है? वेंसडे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या कर देते हैं हम? दो डेज को ऐड कर देते हैं। बेसिकली ये सेटलमेंट साइकिल होती है, ठीक है ना, दो दिन के बाद क्या होती है? सेटलमेंट होती है। तो वेंसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे, एंड देन देयर्स द फ्राइडे। चिराग जी खुश फ्राइडे सुन के, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। तो वेंसडे प्लस टू डेज फ्राइडे, बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। सो फ्राइडे इज़ व्हाट? फ्राइडे इज़ द एक्स डेट, ठीक है। देन आती बात हमारी रिगार्डिंग द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो आइए करते हैं बातचीत, रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग द डिविडेंड, ठीक है ना, रिगार्डिंग द रिसीट ऑफ द डिविडेंड, बहुत बढ़िया। तो आपने एक बात सुनी होगी इन द कंपनी लॉ, पढ़ा होगा आपने अबाउट द रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स। रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ बुक दैट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स एज रिगार्ड्स द शेयर होल्डर्स, कि कौन कौन हमारी कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर है, ठीक है ना। जिस जिस व्यक्ति का नाम इस बुक के अंदर लिखा होता है, इस रजिस्टर में लिखा होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? दैट ही इज़ द शेयर होल्डर ऑफ आर कंपनी, ठीक है ना। अगर रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपका नाम ROM के अंदर है तो आप क्या हो? यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड यू विल बी एलिजिबल टू रिसीव द डिविडेंड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। देन आती है हमारी डेट जिसे हम कहते हैं डिविडेंड पेमेंट डेट। नाम ही खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब ऐसी डेट जिस दिन डिविडेंड क्या होता है, हमारे खाते में पे होते हैं फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट में जब मूवमेंट होती है कैश की कंपनी के बैंक अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट में बेसिकली शेयर होल्डर्स बैंक अकाउंट में क्या होती है? मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट का मोड कौन सा होता है? तो जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज नैश एट द फर्स्ट प्लेस। नैश कहना है, नैच कहना है, जो मर्जी कहना, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए,
नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है ना। तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नैच या नैश के थ्रू हमारे को क्या होती है, पेमेंट होती है। बट इन एनी केस कि हमारा खाता बंद है या फिर नैच या नैश ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो इन सच ए केस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हमारे को क्या भेजती है, एक चेक भेजती है, एक अननेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल चेक हमारे को भेजा जाता है, क्रॉस चेक जिसको कहते हैं वो भेजा जाता है, ठीक है ना। और उससे हम क्या कर लेते हैं, अपने डिविडेंड को ले लेते हैं। तो अब एक आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग कि कैसे हम डिविडेंड से शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। आइए करते हैं बातचीत। तो मनी कंट्रोल खोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट प्राइस शेयर कौन सा है, इंडिया के अंदर MRFF, वर्ल्ड के अंदर बर्कशायर हैथवे, ठीक है ना। MRF मतलब मद्रास रबड़ फैक्ट्री, क्या बात है। फाइनेंशियल्स पे गए, कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल रेशियोज। बैलेंस शीट पे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। एक और चीज़ का ले लेते हैं, यस। तो होता क्या है, देखो मैं ऐड कर दूँ इसको, दोनों चीज़ों को कर देता हूँ। आई ट्राई टू कीप द एंटायर वीडियो कम्प्लीटली रॉ ताकि आपको भी वो फीलिंग आ सके कि हाँ जी, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें MRF की, MRF का प्राइस कितना है, इट इज़ 1,10,285 रुपीज़ एंड 40 पैसे। NSE के ऊपर इतने के ऊपर आज क्लोज हुआ है, 0.52% की अपसाइड की मूवमेंट आई है MRF के अंदर, मद्रास रबड़ फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और अगर हम देखें यहाँ पे, सो देर इज़ सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। बेसिकली वो वाली वैल्यू दैट इज़ यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ द कॉरपोरेट एक्शंस, ठीक है ना। अगर हम देखें इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर हमारे को जितने भी शेयर्स देखने को मिलते हैं उनकी फेस वैल्यू ज़्यादातर कितनी होती है, 1 रुपी, कुछ केसेस के अंदर 2 रुपीज़ भी होती है, 5 रुपीज़ भी होती है, बट मोस्ट पॉपुलरली 1 रुपी, 10 रुपी एंड 100 रुपीज़, ठीक है। फेस वैल्यू कितने की, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की। और ट्रेड कितने पे कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं भाई साहब 1,10,285 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ये इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी क्यों, ये इतनी ज़्यादा दूरी क्यों, ठीक है ना। कभी मन में सवाल आया, नहीं आया तो अब आना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम देखें बैलेंस शीट किसी कंपनी की, तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे दो बातें, एक है शेयर कैपिटल, दूसरे है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो कंपनी की शेयर कैपिटल अगर हम देखें, इट इज़ स्टैंडिंग एट जस्ट ₹4 करोड़। क्या ये इतना बड़ा बिजनेस, तो 4 करोड़ की फेस वैल्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शेयर कैपिटल बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करती है, फेस वैल्यू को करती है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर। और अगर हम MRF की बात करें, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, इसकी मार्केट वैल्यू इज रुपीज़, मार्केट वैल्यू इज रुपीज़, दिस इज़ द MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू, एंड दैट अमाउंट्स टू हाउ मच, 1,10,285 रुपीज़ एंड 40 पैसे। बहुत ही अच्छे। तो ये इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी क्यों, इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये जो है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हैं कुबेर भगवान जी के खजाना। कुबेर भगवान जी होते हैं ना पैसों के देवता, उनका खजाना। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें, 1,4703 करोड़ रुपीज़ हैं, इतना ज़्यादा। ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, बेसिकली इसी के करके क्या होते हैं, हमारे इतना मार्केट प्राइस ऊपर वाला अचीव होता है, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस के दो रीजंस, वन इज़ द फेस वैल्यू द एंड वन इज़ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिस कंपनी के जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस ज़्यादा, उसका मार्केट प्राइस उतना ज़्यादा। जनरल लेवल पे कहा जा रहा है, बट यस, कुछ कंपनीज़ के केस के अंदर, जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका इससे ज़्यादा होगा, बट यस, फिर भी उसका मार्केट प्राइस कितना है, 2,200-2,300 की ट्रैक्टरी में आ ट्रेड कर, ऊपर की तरफ 2,700 की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। एवरेज के ऊपर 2,500 रुपये के ऊपर हमारे को रिलायंस दिख जाता है, तो वो इतना कम क्यों। बेसिकली अगर आप देखोगे MRF के केस में, तो MRF की वॉल्यूम कितनी आ रही है,
इसकी कभी एवरेज वॉल्यूम देखना, मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे आ रही है कहीं पे वॉल्यूम, तो बेसिकली अगर आप अपने मनी कंट्रोल अपने अगर आप उस पे जाओ, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, शायद इसके ऊपर मनी कंट्रोल में इतना यूज़ करता नहीं हूँ, तो अगर आप देखोगे अगर अपने आप स्टॉक्स वगैरह किसी भी ब्रोकर के अकाउंट पे जाओ तो वहाँ पर आपको आराम से पता लग जाएगा। ग्रो पे मैं देख लेता हूँ, ग्रो पे कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं तो उस बेसिस पे एक बार चेक कर लेते हैं। MRF लिमिटेड राइट, इसकी अगर हम आज की वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम 2909, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL मोटा भाई की कंपनी 2368 है ना, इसकी वॉल्यूम देखिए कितनी है 5861389। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कंपनीज बहुत सारे स्प्लिट्स करती हैं, बहुत सारे बोनस करती हैं, MRF ने कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जिस कारण उसका प्राइस इतना हैवी हो गया, ठीक है ना। कभी भी कंपनी के मार्केट प्राइस से उसकी कंपनी की वर्थ को नहीं हम जज कर सकते, ठीक है ना, बहुत फ़र्क होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट प्राइस में, राइट। तो बेसिकली हमने क्या कहा, ये जो मार्केट प्राइस होता है इसके पीछे होते हैं दो रीजंस, वन इज़ द फेस वैल्यू, द अदर वन इज़ द रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड मेजर रीज़न क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बहुत ही बढ़िया। तो क्या हुआ, ये जो हमारा डिविडेंड डिक्लेयर होता है, द डिविडेंड दैट गेट्स डिक्लेयर्ड, वो किस में से डिक्लेयर होता है, दैट गेट्स डिक्लेयर्ड फ्रॉम द रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये जो डिविडेंड होता है उसकी जो पेमेंट हो रही होती है ऑन द डिविडेंड पेमेंट डेट, इस दिन ये जो हो रहा होता है नैश के से पेमेंट आ रही होती है हमारी तरफ, ठीक है ना, जिस दिन कंपनी के बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस दिन क्या होता है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाते हैं, ठीक है ना, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनी स्टॉक पे के स्टॉक प्राइस पे भी ट्रेड कर रही है मार्केट में, ठीक है ना, और रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हो गए पर शेयर होल्डर को, से फॉर एग्जांपल 25 रुपये का शेयर मिला पर शेयर होल्डर को, 25 रुपये का शेयर क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, शेयर नहीं मिला सॉरी डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है ना। तो पर शेयर के बेसिस पे ये अभी मान लेते सिर्फ एक ही शेयर है मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है, 25 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ये डिविडेंड की जो पेमेंट हुई 25 रुपये की कहाँ से हुई, कहाँ से इसको लिया गया, इसको लिया गया फ्रॉम द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्या हुआ बेसिकली ये जो 25 रुपये कम हुए इसने क्या किया मार्केट प्राइस को भी 25 रुपये से कम कर दिया, तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रह गया, इट रिड्यूस्ड टू 75। बेसिकली जो मार्केट प्राइस पर शेयर होता है बिफोर द डिविडेंड डेट इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय द डिविडेंड की अमाउंट, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय द डिविडेंड की अमाउंट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज शेयर प्राइस टर्निंग एक्स डिविडेंड, दिस इज़ वॉट वी कॉल एज शेयर प्राइस टर्निंग एक्स डिविडेंड, ठीक है। होपफुली ये बार सारी बात सबको क्लियर हुई। से फॉर एग्जाम्पल ये जो शेयर होल्डर थे इनके पास थे 10 शेयर, तो शेयर डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले डिविडेंड पे होने से पहले इनके पास कितने थे, किनकी वेल्थ कितनी थी, इट वॉज 1000 रुपीज़। बट एज सून एज डिविडेंड वॉज डिक्लेयर तो शेयर का प्राइस क्या हो गया, शेयर का प्राइस हो गया रिड्यूस कितने तक हो गया 75। इनकी जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी उससे जो वेल्थ आ रही थी नाउ इट इज़ वर्थ 750, एंड इनके पास क्या आ गया, एक शेयर के ऊपर 25 और 10 शेयर्स के ऊपर 250 रुपीज़ का डिविडेंड, तो टोटल कितना हो गया 1000। तो क्या इनकी वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट हुआ, इतना सा भी नहीं हुआ, इनकी वेल्थ क्या है, इट रिमेन्ड द सेम, इट रिमेन्ड द कॉन्स्टेंट। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंस एक्सपर्ट्स को नहीं समझ आता, ठीक है ना, रीज़न नहीं समझ आता, तो बहुत मेहनत से किसी तरीके रीज़न समझा, तो होपफुली आप लोगों को भी समझ आए, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ, एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ शेयर प्राइस टर्निंग एक्स डिविडेंड, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।